चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, कोई भी मिस्त्री अगर आपके फ्रिज में गैस डालकर जाता है, ठीक, और हमारा जब फ्रिज है वो रात भर तो ठीक चलता है, यानी कूलिंग अच्छी करता है, उसके बाद हमारा फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, मिस्त्री फ्रिज में क्या दिक्कत करके जाता है। तो बहुत सारी कॉमेंट इस वीडियो को लेकर आ रही थी, तो मैं आज फुल डिटेल के साथ दोस्तों इस वीडियो को लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी मिस्त्री गैस डालने के लिए आ रहा है तो आप लोगों को भी ध्यान करने की कुछ बातें होती हैं, वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, और क्या दिक्कत मिस्त्री उसमें कर जाता है फ्रिज में, वो भी आप लोगों को क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे फ्रिज में प्रॉब्लम्स आती है वो होती है कि हमारे मिस्त्री ने क्या काम करा, गैस को डाला, गैस डालने के बाद फ्रिज एक रात चलेगा या फिर एक घंटा चलेगा, कूलिंग अच्छी प्रकार से करेगा, उसके बाद कूलिंग करना छोड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स होती है फ्रिज का चौक होना। देखिए, मैंने पहली वीडियो में आप लोगों से बताया कि किसी भी प्रकार से अगर आप गैस को डलवा रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या है, उसकी फ्लैशिंग अच्छे से करवानी है, यानी कि उसकी जो साफ सफाई कंडेंसर की होनी है, तो मिस्त्री से आप लोग बोलिएगा कि हमारे जो कंडेंसर है उसकी साफ सफाई अच्छे से करके ही गैस डालो, ठीक है, अन्यथा वो फ्रिज चोक हो जाएगा। हमारी जो कैपलरी होती है, पाइप होते हैं, उसमें क्या आएगा, कचरा आने की वजह से हमारा फ्रिज चोक होगा, और चोक होगा तो दोस्तों क्या होता है, हमारा कंप्रेसर खराब होने की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर भी खराब हो सकता है, तो आप लोग इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम होती है दोस्तों गैस का ना मेल खाना, ठीक। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो गैस होती है दोस्तों, लगभग LG गोदरेज यानी काफी सारे फ्रिजों में R134 गैस भरी जाती है, ठीक। कुछ मिस्त्री क्या काम करते हैं, R134 की जगह हाइड्रोकार्बन भी डाल देते हैं, तो हाइड्रोकार्बन हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है R134 की जगह, ठीक। अगर आप लोग R134 की जगह R600 डाल देते हैं किसी भी फ्रिज में, या R600 की जगह हम लोग R134 डाल देते हैं, तो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर 1 से 1.5 घंटा या फिर एक रात चल पाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो कंप्रेसर है उसका पंपिंग सिस्टम खराब हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान दें, अगर R134 गैस है उसके अंदर फ्रिज के, तो आप लोग क्या करें, उसके अंदर R134 ही डालें या फिर हाइड्रोकार्बन उसमें डाल सकते हैं, अन्यथा आपका फ्रिज खराब होने की खराब हो गई होगा, ठीक है। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखें कि जौन सी फ्रिज में गैस है वही फ्रिज आप इस्तेमाल करें। तीसरे पॉइंट पर आता है दोस्तों, अगर आपने फ्रिज में यानी कि गैस को ज़्यादा डाल दिया, अब देखिए ज़्यादा डालते हैं हम फ्रिज में तो क्या होता है गैस को, तो कुछ मिस्त्री लोग जाते हुए भी हैं, मतलब कस्टमर के घर, तो कहते हैं कि हमारे फ्रिज में गैस को ओवर कर दो, ज़्यादा कर दो, कूलिंग अच्छा करेगा। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है, अगर ऐसा कराते हैं देखिए क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमारा जो फ्रिज है वो बार बार कट की आवाज़ के साथ बंद होगा, यानी कंप्रेसर हमेशा हीट करेगा, और हीट के साथ हमारा जो कंप्रेसर वो बंद होगा, ठीक। अगर इस कंडीशन में हमारा हीट के साथ कंप्रेसर बंद होगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारा कंप्रेसर खराब होने के कगार पर आएगा, ठीक, यानी कि 100% हमारा कंप्रेसर खराब होगा हीट करने के बाद, बार बार हमारा कंप्रेसर चालू होगा, बार बार हमारा कंप्रेसर बंद होगा, तो इस कंडीशन में हमारे फ्रिज में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखें हमेशा, कि फ्रिज में फ्लैशिंग करके ही हमेशा गैस डालें, गैस का मेल खा रही है गैस तभी गैस डालें, दूसरी गैस अन्यथा आप लोग नहीं डालें, ठीक है। फ्लैशिंग अच्छी तरीके से करवाएं, साफ सफाई अच्छे से तरीके से करवाएं फ्रिज की, और कभी भी लोकल गैस का इस्तेमाल नहीं करें। देखिए हाइड्रोकार्बन और R134 गैस भी क्या होती है, कभी कभी लोकल गैस हमारे दे देते हैं और आ भी रही है और सस्ती वाली, ठीक। तो आप लोग उस प्रकार की गैस नहीं डलवाएं, और गैस जो है हमेशा लिमिट से ही डलवाएं। हमारी जो गैस है किस प्रकार से कितना प्रेशर होता है वो मैं वीडियो जल्दी से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा फुल डिटेल के साथ, तो हमेशा ये वाली बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपने हमारे ब्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट।